How to do the work by Nicole Lepra. Assalamualaikum साथियों, आज हम आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि अनापरस्ती क्या है, क्या हमारी अना का कोई मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है और होलिस्टिक साइकोलॉजी किस तरह हमारे जज्बात, एहसासात और मालूमात के माबेन पाए जाने वाले रब्त को मजबूत कर सकती है। मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निकोल लेप्रा ने साल 2021 की शुरुआत में एक बेहतरीन किताब तख्लीक की, जिसमे उन्होंने इंसानों की जिस्मानी और रूहानी सेहत को एक मुकम्मल पैकेज की तरह बयान किया, जो इंसान के आसाबी निजाम में तवाजन का बाइस है। इस तरह इंसान अपनी तकमील का सबसे खूबसूरत एहसास हासिल कर सकता है। याद रहे कि इंसान की जिंदगी में कोई भी मुस्बत पेशरफ्त तब्दीली के अंसर को अपनाए बगैर हासिल नहीं हो सकती। ब्रिटिश मुसानिफा हॉली ब्राउन इस किताब के बारे में कहती है, हाउ टू डू द वर्क न सिर्फ आपके खुद को देखने के अंदाज को तब्दील कर देगी बल्कि आपकी तब्दीली की सलाहियत को भी उभारेगी। मुझे यकीन है कि अगर इस किताब ने दुनिया ना बदली तो जिंदगियां जरूर बदल सकती है। डॉक्टर लेप्रा ने अपनी इस किताब में इंसान के ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तवाजन के हसूल के लिए दो अहम पहलुओं का जिक्र किया है, जिसमे मैनिफेस्टेशन और ईगो शामिल हैं। मैनिफेस्टेशन के बारे में हम अपनी पहली वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारी सारी तवज्जो हाउ टू डू ईगो वर्क की तरफ है। मुशाहिदे से जाहिर है कि अना हर इंसान के लिए खास अहमियत रखती है, लेकिन ये बिलखसूस उन लोगों को ज्यादा मुतासर करती है जो इन खसूसियात के मालिक हों। मसलन जज्बाती तौर पर कमजोर हों, अपनी सलाहियतों को जकड़ा हुआ महसूस करते हों, खुशी के जज्बात से लुत्फानंदोज ना हो पाते हों, स्याह और सफेद सोच को छोड़ने के लिए तैयार हों, अपने आप को नामुकम्मल और टॉक्सिक ताल्लुकात में घिरा हुआ महसूस करें, उनके लिए दूसरों से राब्ते में रहना एक मुश्किल अमर हो, जो सख्त अकायद से निकलकर आगे बढ़ना जानते हों, या फिर अपनी शख्सियत की हीलिंग के लिए तैयार हों। अना एक ऐसा कुदरती डिजाइन है जिसका गैर मुनासिब इस्तेमाल इंसान को रूहानी, जहनी और जिस्मानी तौर पर बीमार कर सकता है, जबकि इसका सही इस्तेमाल इंसान को शऊर की बुलंदी की तरफ ले जाता है। मुसनफा के मुताबिक इंसान को शऊर की बुलंदी तक पहुंचने के लिए मुसलसल कोशिश दरकार है। ये कोशिश तब्दीली का बायस बनती है, जबकि अना किसी भी चीज से ज्यादा तब्दीली से नफरत करती है। हमें चाहिए कि इस मुजाहमत को किसी फैसले के बगैर सामने आने दें। आमतौर पर अना को एक मनफी जज्बा समझा जाता है, जबकि मुसनफा कहती हैं कि अना का एक काम इंसान को नुकसान दे चीजों से तहफ्फुज़ फराहम करना भी है। यही वजह है कि अना को मारने का ख्याल दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जरूरत इस अमर की है कि अना को खुद से अलग हैसियत दी जाए और अपनी अना की मुनासिब तरबियत के बारे में सोचा जाए। इस मकसद के लिए डॉक्टर निकोल लेप्रा ने 5 मराहिल का जिक्र किया है। नंबर 1, अपनी अना का तारुफ हासिल करें। एक पुरसकून जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाएं और इन असबात को दोहराएं, मैं महफूज हूँ, और अपनी अना से अलग होकर तजर्बा करने का एक तरीका मुंतखब करती हूँ। इस तजर्बे में आपको हैरान कुन जिस्मानी एहसासात का सामना हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2, अपनी अना से दोस्ताना मुलाकात करें। जब आप किसी भी चीज से पहले लफ्ज मैं का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अना बोलने लगती है। आप लफ्ज मैं के बाद जो कुछ कहते हैं उस पर तवज्जो दें। गौर करें कि आप लफ्ज मैं कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। इस मशक से आपके दिमाग के नए रास्ते खुलेंगे और आपको अपनी अना को समझने का मौका मिलेगा। नंबर 3, अपनी अना को नाम दें। अपनी अना को अपने आप से अलहदा करके देखना एक ताकतवर कदम है। ये एक पोशीदा तसव्वुर है। मुसनफा का कहना है कि जैसे ही हम अपनी शौरी बेदारी की तरफ मायल होते हैं, हम देख सकते हैं कि हम महज अपनी अना की कहानियों तक महदूद नहीं हैं। हमारे जहन में पैदा होने वाले ख्यालात ये नहीं बताते कि हम कौन हैं। नंबर 4,
मुतहरिक अनासे मिलें। हमारे हर अमल के पीछे कुछ महरकात कार फरमा होते हैं जो हमें इस अमल पर उकसाते हैं। ये महरकात शौरी भी हो सकते हैं और गैर शौरी भी। लेप्रा के मुताबिक महरकात जज्बाती रद्द अमल के तौर पर सामने आते हैं। आपकी अना हजार तजर्बात को याद रखती है जिसे आप शौरी तौर पर याद नहीं कर सकते। ऐसे महरकात का बगौर मुताला करें। नंबर 5, अपनी अना की तारीफ करें और उसे कबूल करें। दौरान तहरीक जब भी आप अपनी अना से जुड़ें तो इन असबात का मुशाहिदा करें। नंबर 1, मैं अपनी अना की तारीफ करती हूं जो मेरे तहफ्फुज़ के लिए सामने आई। नंबर 2, अपनी अना को जानना मेरे लिए एक मुस्बत और काबिले अमल तजर्बा है। नंबर 3, मुझे आइंदा अपनी जिंदगी के वाकयात को इन महरकात से नहीं जोड़ना जो अना के मनफी असरात का बाइस बने। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी अना को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन दबाएं। अपनी कीमती आरा से आगाह करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।